हेलो राव सर, हाय बोलो। आई एम योर यूट्यूब फॉलोअर सर। हे थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क सर। थैंक यू। एक्चुअली सर, आई एम लिविंग इन डोंबिवली। आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हियर, नॉट एबल टू डिसाइड सर, एंड आई हैव सीन वन योर वीडियो सर अबाउट बार्गेनिंग दिस थिंग। ओके सर, राइट नाउ इज इट राइट टाइम टू एंटर फॉर एंड यूज? पर्सनली माई ओपिनियन इज नो। आई विल टेल यू व्हाई। कोरोना वायरस इज स्टिल गोइंग वाइल्ड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया इज नॉट गोइंग वाइल्ड। Yes, sir. Like rest of the world, there are 1,000 deaths per million. You know, right, US, sir. UK, France. You know, next in India we've got 100 deaths per million. Now that said, rest of the world's economy will also hurt our economy. Right. Economy ko jo hota hai, wo apne ko kal hoga. They will catch a cold today, we'll catch it tomorrow. So that is one thing. Second thing is, coronavirus can still have a second wave. Many countries are having second. So it has already done a lot of damage to the economy. Uska bhi asar real estate pe abhi tak theek se pada nahi hai, jahan tak main samajhta hu. Yes sir, nahi pada. It looks like it escaped. It looks like it escaped, but I am not convinced it escaped. I think it may be a delayed reaction. So I think there would be more correction. Uska samjho 50 lakh deke aapne flat liya aur ek saal ke baad ya do saal ke baad bhi aapko pata chalta hai ki ye saala 30 lakh ka ho gaya. तो आपको बहुत फटका पड़ेगा। आप बोलोगे यार ये मैंने नुकसान कर लिया अपना। उससे अच्छा होता कि इफ यू हैड वेटेड एंड बॉट इट एट 30, सो आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ। ओके सर, वेट फॉर करेक्शन एंड ऑफ कोर्स डोंट बाय फ्रॉम बिल्डर, बिकॉज वो लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअली 30 का है वो 50 में बेच रहे हैं। दे आर सेलिंग ओवर प्राइस दैट। और उसका प्रूफ ये है कि आप अगर इन्वेस्टर से लेने को जाओगे तो 25% कम में वो लोग बेच रहे हैं इन्वेस्टर प्राइस, एज ओपोज टू बिल्डर प्राइस। यानी बिल्डर का सेल्स ऑफिस समझो 50 में बेच रहा है तो ये लोग 40 में बेच रहे हैं या 35 में बेच रहे हैं ना, दैट इज देयर कंडीशन। और बेचने को फिर भी मुश्किल हो रहा है, 35 में बेचने को मुश्किल हो रहा है, बिल्डर का 50 में इन्वेंट्री निकल रहा है। सेकेंडरी मार्केट जो प्राइसिंग है सर, वो कैसे निकाला जाए सर? यानी यस सर, व्हाट इज द ओनली एस्टेट एजेंट्स एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, देयर इज नो थर्ड वे। आई विल टेल यू व्हाई। ये बिल्डर्स क्या करते हैं, वो अपना रेट लिख के बैठते हैं। यस सर, लेकिन इसमें अपने को रेट डिस्कवर करना पड़ता है, प्राइस डिस्कवरी करना पड़ता है। यस सर, के प्राइस क्या है, ये बिल्डिंग में कितने में फ्लैट बिका था इन 2019, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। लास्ट ईयर सेल हुआ था वो इतने में हुआ था, दैट वे वी गेट द प्राइसेस। लेकिन इट इज नॉट अ परफेक्ट मैकेनिज्म, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है एक ही बिल्डिंग में दो प्राइसेस पे फ्लैट बिकता है। अरे यहाँ पे 70 में बिका था, दूसरा वाला 65 में से 60 में बिका है। यू डोंट हैव अ परफेक्ट प्राइस, बट दैट इज हाउ द मार्केट एक्चुअली इज। द रियल मार्केट में, दो सौदे एक ही भाव पे नहीं होते हैं। तो मैं एक मैंगो मार्केट का एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंगो सीजन होता है, सब जगह तुम जनरली ऐसे पूछते घूमोगे, अरे हापुस क्या भाव है, हापुस क्या भाव है, वो बोलेगा 500 रुपया डजन या 300 रुपया डजन या जो भी है, वो 300 रुपया डजन बोलेगा। तुम खड़े रह के बार्गेनिंग करोगे तो हो सकता है कि तुम 200 में भी लेके जाओगे, या फिर रात के टाइम पे आओगे, उसका मार्केट क्लोज हो रहा है वो टाइम पे आओगे 10 बजे 11 बजे, तो एक्चुअली तुम 100 रुपए में भी लेके जा सकते हो। वो 300 बोल रहा था, तुम 100 में लेके गए। क्यों? क्योंकि वो मार्केट का क्लोजिंग टाइम था। तो सेम वे विद सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ऐसे होता है, यस सर, फ्लैट बेच रहा है, उसका हालत क्या है वो तुम नहीं जानते हो, उसके अंदर क्या क्या प्रेशर है वो तुम नहीं जानते हो। उसका प्रेशर फॉर एग्जाम्पल किसी को होता है कि मैं घर बेचूंगा तो मेरे दो लोन सेटल हो जाएंगे, राइट सर। ऐसे सिचुएशन में वो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर के अंडर है, हर महीने उसका कुछ ना कुछ हफ्ता चढ़ रहा है, और हर महीने वो हफ्ता नहीं दे पा रहा है इसलिए वो प्रेशर में है। उसको अगर तुम कहते हो कि चल 20% लेस, लेकिन मैं यहाँ पे टोकन करने को तैयार हूँ, तो हो सकता है कि वो कहेगा चल यार छोड़ दे डाल खत्म कर, कम से कम लोन का हफ्ते का टेंशन छूट जाएगा। तो लोग अपने टेंशन में होते हैं तो वो टेंशन का फायदा तुमको मिल जाता है। तो दैट इज द रियल मार्केट, that is the real market, and that is the real market anywhere. Okay. Yes, sir. And actually that is the real market. The builders ने क्या किया है, उनका मार्केट अलग है, वो लोग बैठ के कोऑर्डिनेशन करते हैं, yes, इसमें ऐसे कम में नहीं बेचने का, भाव नहीं तोड़ने का, कार्टल, राइट, कार्टल है।
Yes, sir. So that is not a market. Actually, that is not a perfect market. They have convinced everybody that that's a market. Right, sir. That is not the market. That's not the genuine market. Genuine market वो होता है जहाँ पे दो लोग argue करते हैं, bargain करते हैं, psychology भी खेलते हैं, एक दूसरे का psychology जान के psychology खेलते हैं. You're basically testing the psychology also. वो कितने में बेचने को तैयार होगा, थोड़ा दो बार चले जाओ फिर वापस आओ, या वेट करो, वो फोन करेगा दो दिन के बाद, अरे सर क्या हुआ, आपने आपने रिवर्ट नहीं किया, थोड़ा ठंडा होके बात करने का, बाद में फोन करता हूँ बोलने का. यू नो ऑल दीज थिंग्स, दे आर ऑल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स. बिल्डर जानते हैं ये सब, हम लोग जानते नहीं है. Actually, I'm living for my entire life in Dombivli only, sir. Okay. I'm starting my hunt now, sir, to be honest. Okay. Let's say I want to buy a 2 BHK or 3 BHK flat, sir. So which is the ideal place? The thing is that, sir, whether we should stick to Mumbai or go to Pune or Nasik. Why? Which was my... So because of the lifestyle over here, sir, it is very... अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं, मजा नहीं आया? Actually... in at least in Bangalore, I'm living in Mumbai, sir, because we are in a suburban, sir. We are in right. We are in Dombivli. I'm not saying that that we are living in Mumbai. It's wrong. It is a suburb. Barabar. It is yes, a suburb. Barabar. Yes, sir. And seeing the rates in Mumbai, sir, means with the new construction, even if you go for an investor flat in new construction, sir, seeing the area, sir, we are getting 2 BHK in this 1 BHK what we are doing now, almost similar we are getting in 2 BHK, sir. Anyway, don't want to make any mistake. You want to, so you want to sell here and buy somewhere else where it will be cheaper, is it? To go for some bigger homes, sir. Yeah, right. 3 BHK at least, yes, sir. That's a good idea, but see, one thought was, you are living in Dombivli. Now in yes, Dombivli, sir. You know there are good areas and bad areas in the same Dombivli. Yes, sir. There are good buildings and bad buildings. Yes, sir. There are good localities and bad localities, you know. Yes, sir. Or even good lanes and bad lanes. Yeah, absolutely. Right. Yes, sir. And there yes, are, sir. Even in the same building, there will be a good side and a bad side. For example, yes, there sir. Will be a garden facing side and there will be a road facing side. Or there is a side where subah-subah sunlight seedha bedroom ke andar aayega. If you are an early waker, you may like that. Subah-subah ka suraj dikh raha hai. Yes, sir. But then if you are not, then you may find it very irritating because you will say, sir, subah ho se neend bhi pura nahi hota hai. Yes, sir. Sunlight aata hai, sir, morning mein, summer mein. Yes, so, sir. It depends on who you are and what is the side you prefer. Yes. Kehne ka matlab ye hai, aapko agar Dombivli mein, main falana, you know, in a certain lane, if I say, ki luxury yes, tower hai, you will say, arey yaar, lekin ye luxury tower hai, lekin kaisa ganda locality hai wo. You know, कितना स्लम्स yes, वाला लोकेलिटी है या जो भी है. अनदर लोकेलिटी इन द सेम Dombivli, यू विल से हाँ दिस इज अ वेरी पीसफुल लोकेलिटी, इट्स अ वेरी नाइस लोकेलिटी. सो दिस इज समथिंग यू नो, आई डोंट नो. तो राइट सर, ये क्या होता है कि इवन यू आर सेइंग आई विल गो टू पुणे, उधर का लोकेलिटी क्या है इफ यू डोंट नो एट ऑल, तो right, हो सकता है कि तुम कोई गलत चीज लेके फंस जाओगे और बाद में पता चलेगा अरे यार सबको मालूम था कि इतनी गंदा लोकेलिटी है. And I bought right, a property. Sir. I bought a property there. Kya kachra kaam kar diya. These are local factors is something you should know. Now what right, these sir. Guys try to do is they distort your mind with brand name. Yes. Kanakia ka property hai, achha hoga. Mere area mein main janta hu, aisa bakwas area mein Kanakia ka property banaya. Gate bahut achha dikhta hai. Building bahut right, achha dikhega. Tumko yes, photo mein achha dikhega, tum aise hi rickshaw leke fatafat udhar pahunch jaoge, if you don't know the area. Wo bhi achha yes, hai, because you'll go straight inside. But that right, is because sir. You haven't lived here and you don't know the area. Ka naam se judgment nahi lekh sakte. For example, there yes, will be names, I'll give you my own area names. There are names like Devipada, Kajupada and Kulupadi. Right. They all sound the same. Kulupadi is a nice locality. Where I live. Somebody tells me, oh, there is a luxury tower in Kajupada. Now, if I'm an outsider, I wouldn't know the difference. Outsider tower in Kajupada, very good. Le lunga. But that is because I'm an outsider. I don't have any idea what is Devipada, what is Kajupada. If you are going to buy a property, you should buy it where you already know the area. If you are thinking of Pune, the best thing is to consult somebody who knows these areas. Okay. Who will be right, able sir. To tell you, are ye to slum area hai re. Mm-hmm. Ya fir wo posh area hai.
within the same area there will be some 100 200 meters which are posh locality, another 100 200 meters which are kachra locality. So ideally what I think you should do is ek to of course ghumo dekho, see the properties, and if you got a lot of time, I don't know if you have, but I'm just assuming. It's only Saturday, Sunday, sir. Okay. Honestly, yes, sir. Planning to go to Pune, then I think you should get acquainted with one particular locality where you're planning to go. Outskirts of Pune, I'm told, pani ka bahut problem. Yes, sir. Maine bhi suna hai, sir. Yes, sir. Tanker water is, sir. Yes, sir. I think that is not the state in Dombivli. Those villages, sir, which are not come under TDMC, there is the issue. Right, so tanker will be there, na? Yes. There, there are some areas where tanker water. Right, sir. In Dombivli itself, there is, and in Lodha also. In yes, Lodha, sir, Lodha, there are some good properties. I'll give you one example. Second sale, mein agar tumko milta hai, na, I'll shanti se rehne wale baat hai. Okay, there sir. Is a sacrifice and there are some trade-offs. But okay. I have this thing. For example, Lodha's Casario, Palava City Casario. According to me, some parts of Casario is a beautiful gated community. Okay, sir. Casario, according to me, is lovely. Many of these towers, not all, but many of these towers are just beautiful. They are so nice. Uska itna achha surrounding hai, itna spacious hai, good size flats, and say 30 lakhs, 40 lakhs. Okay, sir. So, aisa nahi hai ki all Lodha properties are bad. Some of the properties are really nice. But there is a trade-off. The trade-off is they try to control you. Yes, sir. Tumhara cable supplier kaun hai, wo bhi wo log decide karte hain. Still, I mean, given the trade-off, it's a very peaceful, gated community. Old people ko baithne ko seats hai, ghumne ke liye achhe raaste hain, wide roads. Yes, sir. You know, safe places where your kids can learn cycling. So, yes, sir. Peaceful and peaceful. So we are because all of our lives we are living in a very middle of the cities, huh? No peace, huh? No peace of mind. Everything is nearby. Retired people will be allowed to be here because they want to have everything close nearby, sir. They don't want Sort of you have been in the market. Yes, sir. We are absolutely in the market, in the center of the city, sir. City center. So just out of our questions, sir. Just next 10 years, sir. Let's say 2030. Which is the right city, sir? Mumbai, Pune or Nasik, sir? Let's say for 10 years. I नहीं बोल सकता हूँ यार. सच्ची बोलता हूँ. मैं नहीं बोल सकता. And I'm attached. I'm attached to Mumbai. So, right, sir. If you're asking me, I'll say Mumbai only. And of course, main reason is I know Mumbai. There are nice things about Pune also. For example, Pune mein I see everybody roaming around on a scooter. So, अच्छा लगता है. I like it. And I mean, it's a very nice thing that you have a city where people are comfortable roaming on scooter. मुंबई में ऑफकोर्स लोग है, ऐसे नहीं है कि बाइक और स्कूटर लेके नहीं घूमते, लेकिन लॉट मोर प्रिवेलेंट है. सम प्लेसेस आर मोर स्पेशियस, ज्यादा देखने को मिलता है. पुणे इज दैट काइंड ऑफ प्लेस. बट इन टर्म्स ऑफ वाटर सिक्योरिटी एंड ऑल आई विल से प्रोबेबली मुंबई. दो अगेन मुंबई में वेयर, फॉर एग्जाम्पल बोरीवली से लेके जस्ट गिव यू एग्जाम्पल लोकल कंडीशन. मीरा रोड इज जनरली कंसिडर्ड अ गुड सबर्ब, बट इफ समबडी इज लिविंग इन मीरा रोड, उसको ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत होती है. ट्रेन से जाने में बहुत टेंशन होता है. सो इन प्लेसेस लाइक बोरीवली, ट्रेन स्टार्ट इन बोरीवली, ट्रेन टर्मिनेट इन बोरीवली. ओके, सेम वे ट्रेन ऑल्सो टर्मिनेट इन वसई रोड. सो वसई रोड में भी अ गुड प्लेस, बोरीवली में भी अ गुड प्लेस, जहां से ट्रेन स्टार्ट होता है और फिनिश होता है. दीज आर गुड प्लेस बिकॉज यू कैन गेट इन इजिली. यू नो मीरा रोड इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन एंड गेट आउट. Yes, so one of my good friend is in Mira Road. Yes, sir. तो लोग छोड़ के आते हैं यार, नहीं रहना है. In suburb, sir, because western side I don't know much, sir, because I entire life is in Dombivli, right? Yes, sir. So, sir, if let's say, sir, if we like to have two options, which will be the ideal location in Mumbai, sir, to get settled? You have a social circle, right, in Dombivli? Friends, वगैरह, friends. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have social circle. You know, then best place for you would be Dombivli, for you personally, where you are not too far from your social circles. Okay, sir. So that would be probably the best place. Okay. In Dombivli, you can find a nice building, maybe slightly out of the market or slightly more quiet. Or, वो आपको देखना पड़ेगा. But I'm sure there are quiet places and not so quiet places. So it is a bit like this. I'll give you an example. Every man knows his wife's weak points.
सबको अपना वाइफ का वीक पॉइंट क्या है, ये क्या कैसे बोलती है नहीं बोलती है, कैसे कुकिंग करती है नहीं करती है, वो सब मालूम है अपने को. यस सर. नो सो यू मे से इफ यू लुक एट द नेबर्स वाइफ यू मे थिंक अरे यार वो कितनी अच्छी है, कितना सुंदर मेकअप करके घूमती है, मेरी वाइफ कैसे घूमती है. लेकिन उसके वाइफ के क्या क्या नाटक है वो तुम नहीं जानते हो, नेबर ही जानते हैं. यस सर. राइट. अपने फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो हम अपने फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं, दूसरे को नहीं. दूसरे को लगता है यस. अरे कितना अच्छे लोग हैं यार, कभी भी आवाज नहीं उठाते हैं, कितना शिष्टता के साथ बात करते हैं, कितना डिसिप्लिन फैमिली है. दिस इज हाउ यू लुक एट अदर पीपल, बट वेन यू एक्चुअली इफ यू एंटर इन टू इट यू विल अंडरस्टैंड कि उनके प्रॉब्लम क्या है. सेम वे वेन वी एब्सोल्युटली टॉक अबाउट सिटीज ना, वी से अरे पुणे में कितना अच्छा है, नासिक में कितना अच्छा है, या और डोंबिवली है तो यू में से हमारे बोरेवली में कितना अच्छा है. यू नो यस दैट इज बिकॉज यू डोंट नो. यस आई डोंट नो यू नो सो यस बेस्ट थिंग इज टू स्टे विथ वॉट यू डू नो. जरूरत पड़ जाता है जाना ही पड़ता है तो फिर जाना ही पड़ता है, किधर भी अपने को माइग्रेट होना ही पड़ता है तो होना पड़ता है. सस्ते में जाना है तो फिर वही पुणे और नासिक और एनीथिंग, गो टू सम रियली स्मॉल टाउन, सम रियली स्मॉल टाउन यू नो, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्मॉल तालुका हेडक्वार्टर में चले जाओ. सेल योर डोंबिवली हाउस, यू गेट अ लॉट ऑफ मनी एंड यू बाय अ हाउस ओवर देयर, मच बिगर हाउस एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस इन अ तालुका हेडक्वार्टर. अगर अगर अपने को जिधर यू नो वेर यू आर स्टेइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगर ऐसा है देन यू कैन डू दैट, यू कैन गो टू अ रियली स्मॉल टाउन. यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. You can spend that money in buying a bigger flat, or plus you can buy some shop. That is how I would look at it. We have social circle in Dombivli, sir, but now it is because, sir, of the local condition and too much of a traffic, too much of a migration here. Right. And sir, commutation, sir. Right. For our kids, you know, in future, because there are no proper education institutes are here. So it's good, this thing, sir, but in future, because most of the people have seen in Dombivli, they are shifting to Thane or Pune. Achha. Most trend is like this, sir. Okay. Most of the people who have spent 20 years here, 20, 30 years, okay, they are shifting to this city, sir. Achha. Mainly Thane or Pune, sir. Communication is a huge issue, Silpata and how it is, sir. Even though, sir, tunnel will be there, sir, in the next 2 years. Right. That Airoli tunnel they are planning, but still, sir, I don't see seeing the population and this thing, sir. It will be same thing, and because the admin is very poor, sir. Okay. Not like Navi Mumbai. Right. Very poor administration, sir, over in KDMC. That was the reason, sir. Then so, Navi Mumbai may be a good option. You can always ask someone about Thane, where in Thane, and so on. Yes. Because sir. Trouble one thing when we are talking about Thane. यस सर, द वे फिंगर्स आर नेमिंग थाने, वो पता ही नहीं चलता है कि वो थाने से 2 किलोमीटर दूर है या 15 किलोमीटर दूर है या 25 किलोमीटर दूर है. दे जस्ट कॉल इट थाने. सो द वे बिल्डर्स हैव चेंज्ड द ज्योग्राफी और दे चेंज द परसेप्शन. ये सब थाने बोलते हैं, अरे थाने है लेकिन ये थाने नहीं है यार, ये 10 किलोमीटर थाने सर, अपर थाने बोलते हैं, ये थाने कहाँ है यार, व्हाट इज इट. You are, when you are closer to Bhiwandi, then why are you calling it Thane? Yes, sir. It is absolute gimmick, sir. False advertisement. Yeah. So there is no such thing as what you call ideal location. Right, sir. लगने वाला है कि मेरा location ideal है. Like Borivali is the ideal location. Yes, sir. To me, it will appear like that from various points of view. Because I have lived here a very long time. So I like this location. ये location मुझे समझ में आ गया. और मेरा पूरा life इसमें adjust हो गया. I am going to say this is an ideal location. Yes, sir. But it is very difficult. I personally don't believe that there is such a thing as an ideal location. Har ek location mein kuch plus ya minus hota hai. For example, not having noise is a plus value. Somebody else is saying, "Haan, lekin if you are close to the station, or close to station or close to this thing center." Yes, sir. So, phat se utro aur seedha train pakdo. That is a big plus. घर से निकले और 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन पकड़ लिया. इट में भी स्लाइटली मोर नॉइसी लोकेशन, बट देन दे से हाँ लेकिन मुझे कुछ भी लेने का होता है नीचे, मैं बच्चे को भेजता हूँ और मंगा के ले लेता हूँ. किड्स हैव लर्नड अबाउट द मार्केट, दुकानदार मेरे बच्चे को जानते हैं, मैं पैसे भी नहीं देता हूँ तो भी उधारी में मेरे बच्चे को सामान मिल जाएगा. अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ पीपल लिव. यू गेट सेटल्ड. यस, बिग कम्युनिटी. द
That is a big advantage. So it is very difficult to say which is a big advantage and not. So, no, on the other hand, appreciation नहीं मिलेगा. But at the market के बीचों बीच अगर घर बेचना है तो शायद फटाफट बिक जाएगा. Yes, I can liquid. Yes, liquidity is very high because कोई दुकानदार ले लेगा. कोई some shopkeeper will say, अरे मेरे को यहाँ पे मेरे दुकान से दो बिल्डिंग दूर घर मिल रहा है, मैं ले लूंगा. राइट. उसके पास पैसे भी है, वो लोन भी नहीं करेगा, वो सीधा पैसे दे देगा. दैट वे योर लिक्विडिटी इज वेरी हाई. ऑल्टरनेटिवली इफ यू आर स्टेइंग इन अ डिस्टेंट प्लेस, सेलिंग योर हाउस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. देयर आर सो मेनी प्लसेस एंड माइनसेस, इतने सारे हैं. हम लोगों का पूरा लाइफ उसमें ही सेट हो जाता है. ये प्लस माइनस में वी गेट यूज टू इट. यस सर. Very difficult from anybody to say ki this is a better place, that's a better place, etc. Point for you, what I will suggest is first stay with what you know. क्योंकि क्या होता है ना, अपने को नहीं पता होता है तो हम लोग उधर पैसा डाल देते हैं and फिर बाद में पछताते हैं, अरे यार यहाँ पे मैंने डाल दिया. Yes, sir. I didn't know about this place only. Yes, sir. और trap हो गए सर फिर उसमें. Trap हो गए. Yes, sir. So then if you're going to go to some place, better to take house on rent. एक दो साल रेंट पे रहो, पूरा एरिया घूमो, बराबर से घूमो. सो यू नो दैट एरिया इनसाइड आउट, यू नो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. विल गिव यू वन एग्जांपल. कुछ लोगों को अजान सुनाई देती है तो बहुत चीड़ होता है. कुछ लोगों को ये अपने गणपति का बहुत ज्यादा डम डमाडम करके बैंड बजते जाता है तो बहुत चीड़ होता है. नाउ यू हैव टू नो कि तुम्हारे घर के खिड़की से किसकी आवाज आती है, क्या आता है, विच यू डोंट नो. If you unless you stayed in that locality or unless you go to that locality often. कुछ लोगों को ऐसे होता है कि मेरा घर के नीचे, मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट है या चाइनीज का ये ठेले लगते हैं और वो लोग रोज शाम को फ्राई करते हैं और उसका चिकन का पास आता है और मेरा दिमाग खराब हो जाता है. Yes, sir. Then you have to know where it is that you are buying a house. Do you have a chicken stall underneath? Yes, या फिर शाम को वहाँ पे चिकन स्टॉल लगता है क्या? Because then if you don't know it, then you will spend your whole life fighting with those guys. So I know people who have done that. I know people who have lived in excellent property. उसका प्रॉपर्टी देखते तो लगता है अरे क्या परचेज किया, अमेजिंग. उसके डायरेक्टली दो या तीन माला नीचे चिकन स्टॉल, फास्ट फूड और हॉस्पिटल या हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल. Yes, इतना इरिटेट हो जाते हैं, होल लाइफ दे आर फाइटिंग. आई नो अ गाय हु डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक आफ्टर फाइटिंग फॉर इयर्स एंड इयर्स. और एकदम खट्टा खट्टा तगड़ा बंदा था, दिखने में अच्छा था, बट आई वाज ऑलवेज इन फाइटिंग मोड. आई सेड तेरा प्रॉब्लम क्या है? ही सेज रात को 12 बजे को वो लोग वो बड़े बड़े वॉक में जो कुकिंग करते हैं, ठाक 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 द साउंड एंड द रैकेट, दे यूज टू सेंड मी वीडियोस. ही सेज उसको एसिड से धोते हैं बिकॉज तेल चिपक जाता है ना. Yes, तो एसिड मार के धोते हैं और वो एसिड से जो तेल निकालने का वो जो स्मेल आता है, एसिड का जो स्मेल है. इसे रोज रात को ये मेरा प्रॉब्लम है. रोज का प्रॉब्लम. नाउ थिंक अबाउट दैट पर्सन, व्हाट इज हिज पीस ऑफ माइंड. तो उसको पीस ऑफ माइंड नहीं है बट उसको चीड़ है. अभी ऑब्वियसली सबको चीड़ नहीं होगा, शायद किसी को चीड़ नहीं भी होगा, उसको चीड़ है. यू नीड टू नो द लोकल, मोस्ट लोकल फैक्टर्स. द मोस्ट लोकल फैक्टर्स विल अल्टीमेटली डिटरमिन योर पीस ऑफ माइंड और द लैक ऑफ इट. I used to live in a flat. Yes, sir. It was a beautiful flat. I liked it. First floor flat था. अच्छा था. Yes, sir. Very nice place. मेरे घर के सामने थोड़ा खुला था लेकिन साइड में फैक्ट्रीज लगे, बाद में लगे, पहले पहले नहीं थे. बाद में फैक्ट्रीज लगे, एम्ब्रॉयडरी का मशीन डाला. अरे रात भर वो खाना वो आवाज को ड्राउन करने के लिए वो लोग रेडियो से सॉन्ग बजाते थे. अरे बाप. और फिर मेरा वो जो विंडो था, विंड डायरेक्शन के हिसाब से वॉचमैन लोग शाम को विंटर में तापड़ी जलाते हैं ना. यस. तो तापड़ी जलाने का स्मोक दूर दूर से मेरे विंडो को पहुंचता था. ओह. दूर दूर से. सो आई एम स्लीपिंग एंड आई वुड वेक अप एट 3 o'clock. मेरा गला पकड़ लिया है. आई वुड वेक अप विद चोकिंग. और फिर मैं जाके वॉचमैन लोगों से झगड़ा करके आता था. बाल्टी में पानी लेके जाता था, सीधा यूज टू पोर इट ऑन टू देयर तापड़ी. ये क्या कर रहा है तू, तापड़ी चला रहे, मुझे न्यूसेंस हो रहा है. दे वुड बी एंग्री विद मी. दे वुड से साहब हमारा तुम्हारा कम से कम 200 मीटर दूर है. तुम 200 मीटर दूर से बाल्टी लेके आते हो, पागल हो क्या?
हयूर से नहीं, तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारा धुआं इधर मेरा गला पकड़ रहा है. ओके, नाउ इट इज ऑल द विंड डायरेक्शन का खेल है. इज आर लोकल कंडीशन अपने को पता नहीं होता है. सो सर आई विल सो यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर कटाई. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिव इन अ रेंटल हाउस फॉर टू ईयर देन मे बी बाई इट द थर्ड ईयर यू सी इट इज पीसफुल एंड नाइस एंड ऑल सेट हो गए. चलो ठीक है, थर्ड ईयर में करिए. Understand, sir. That is a smart way, sir, to do it, sir. That is one way. Thank you very much, sir. You're and thank you. Thank you, sir. Take care, sir. Thank you, sir. You. Thank you. Bye.